Hello students, hope all you are fine. So now today we'll discuss exercise 6.3 up to 7 question we have done. 8th question se shuru karenge. 6.3 exercise 6.3. So which question we have to do? 8th question. 8th question mein kya hai bata dekho. E is the point of the side AD. E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पैरलोग्राम एबीसीडी. पैरलोग्राम एबीसीडी ऐसे बना दिया मैं. वी कैन मेक लाइक दिस वे. पैरलोग्राम ए बी सी एंड डी. एबीसीडी इज अ पैरलोग्राम. ई इज द पॉइंट ऑन द साइड एडी. ई एक पॉइंट है साइड एडी. एडी या तो इधर प्रोड्यूस हो सकती है या नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो सकती है. दोनों तरफ प्रोड्यूस हो सकती है. तो मान लो मैंने इस तरफ कर ली. आप क्वेश्चन को पढ़ के देखना. एडी उधर प्रोड्यूस करोगे तो फिगर नहीं बनेगी, है ना. नीचे की तरफ ही प्रोड्यूस होगी. सो ए ई इज द पॉइंट ऑफ द साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ पैरलोग्राम एबीसीडी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी. एडी प्रोड्यूस की और यहां पर क्या पॉइंट आ गया? ये एक ई आ गया. अब वो कह रहा बी ई, बी इसको ज्वाइन करके बनेगी. और ये इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर दिया? सीडी को एफ पे. सीडी को कहां पे इंटरसेक्ट कर दिया? एफ पे. ठीक है, इंटरसेक्ट एट एफ. शो डेट ए बी ई. यहां सबसे पहले मैं गिवन लिखना चाहूंगा. गिवन, गिवन में क्या है? ए बी सी डी इज पैरलोग्राम. पैरलोग्राम उसके बाद आप ये लिख दो एडी प्रोड्यूस अप टू ई सच एंड बीई प्रोड्यूस ज्वाइन बी एंड इंटरसेक्ट बी एट एफ टू सी डी, है ना. ये आप लिख दो, लिखना है तो गिवन में. ठीक है, उसके बाद नाउ टू प्रूफ. व्हाट इज टू प्रूफ? ये गिवन में एक मिनट में लाइन आप लिख दो, है ना. टू प्रूफ में क्या करना है? ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी. सी एफ डी. ठीक है, अब क्या करोगे? देखो सबसे पहले तो ए बी ई ट्रायंगल कहां पे है? ए बी ई ट्रायंगल इज दिस, नजर आ रहा है आपको. और सी एफ बी कहां पे है? सी एफ बी इज हियर, है ना. इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव करना है? सिमिलर, है ना. सबसे पहले ध्यान से देखो आप, है ना. व्हाट वी कैन टेक इट, सबसे पहले देखो इसका ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल. इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी. सबसे पहले ये देखो पैरलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. पैरलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ये कौन से ट्रायंगल का हो गया? ए बी ई का. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, वाई आप यहां पे लिख दोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम आर इक्वल. अब ढूंढो दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा भैया इस ट्रायंगल का. सुनो ध्यान से, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दूसरा कौन सा ऐसा एंगल है जो इक्वल है, जो आपको लग रहा है कि ये इक्वल है? देखो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा. देखो ध्यान से कैसे. अब ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा. क्यों होगा भैया? ये देखो ये ए बी ऐसे बन रही है, ए बी. ठीक है, ए बी. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां ये रहने दो. अब ये देखो यहां पे क्या है? बी सी, बी और सी. बी सी पैरेलल क्या है? ए ई है, ए ई. और इसको ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा, ये और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये क्या बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सपोज एंगल वन. या पूरा नाम लिख सकते हो इसका, क्या लिखोगे? एफ बी सी. तो मैंने आधा नाम लिख दिया, मतलब वन में डाल दिया. इसका नाम क्या लिख दिया? ई. एंगल ई इज इक्वल टू एंगल वन. वाई अल्टर, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखना अकेला, अल्टरनेट इंटीरियर. पहले सबसे पहले आप ये लिखो, क्या अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लिख देना सीधा, ये तो मार्क कट जाएंगे. आपने ये लिखना है, व्हाट यू विल राइट. देखो इधर ए ई, ए ई पैरेलल टू बी सी, ए ई पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज, बी ई इज ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल.
आफ्टर दैट यू विल राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये लिखनी है बात। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये ट्रायंगल था ना सी एफ बी ए के, ये एंगल वन और एक एंगल सी, इसका एंगल ए और इसका एंगल ये, तो ये क्या हो गया, सो इट मीन्स ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये हो गया, ठीक है, दिस विल बी सिमिलर सी एफ बी, तो वेरी गुड, बस बहुत अच्छा, ये ऐसी था, ए इक्वल टू सी था, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, वो बी पे लिखा हुआ था, लास्ट में ये हो गया। तो ये था हमारा सेवंथ एट सम, ठीक है, आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ये अब पढ़ता हूँ नाइन्थ सम, नाइन्थ की भी बहुत आसान सवाल है, फिगर बनी हुई है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आप साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी के साथ होगा, ए ए, ये लिख लेना जरूर, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, ए ए, एंगल एंगल के साथ, ठीक है, प्रॉपर्टी मस्ट राइट देयर, भूल गया मैं लिखना यहाँ पे। अब देखो 6.39 फिगर है, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ठीक है, इसकी फिगर कौन सी है, ये गिवन है फिगर 6.39, यहां पे इसकी फिगर गिवन है, ये यहां पे ऐसे है ट्रायंगल लाइक दिस, और यहां से ये हो गया, वट इज यर सी एम, सी एम ए बी, और यहां पे क्या आ गया जी पी, ठीक है। अब देखो यहां पे सी डी एंड जी, सॉरी इन द फिगर 6.39 एबीसी एंड एएमपी आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, आप यहां पे लिख दो एंगल, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, यहां पे लिख सकते हो एंगल फोर, यहां पे लिख दिया, आप गिवन में लिख दो जी, व्हाट यू कैन राइट हियर गिवन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे एंगल क्या है 90 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो गिवन में प्रूव डैट में सबसे पहला प्रूव क्या है, प्रूव डैट ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी, ए बी सी एंड ए बी सी, दूसरा पार्ट भी बताऊंगा, पहले ये बता दें, ए एम पी, ए एम पी, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है मेरे ख्याल से आपको ना, ये ए एम पी, ए एम पी, ये थोड़ा मैंने डार्क सा कर दिया, अरे डार्क कहां किया, ए एम पी है ना, ए एम पी एंड ए बी सी, ए बी सी ये है, ए एम पी ये है, सबसे पहले देखो इसमें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, सबसे पहले तो ये एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, वाई कॉमन, क्या लिख दोगे कॉमन, ठीक है। उसके बाद देखो ए ए बी सी में एक ही एंगल टू है, एंगल टू इज इक्वल टू, दूसरा क्या था ए एम पी, ए एम पी, ध्यान से देखो ए एम पी, इसका देखो पहले ए बी सी का मैंने ये एंगल लिख दिया ना टू, ये 90 है, और ए एम पी का कौन सा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, वो भी 90 था वो भी 90 था, तो बस तीसरा तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि दो एंगल से भी हमने पढ़ रखी है प्रॉपर्टी कौन सी ए ए वाली, तो यहां पे क्या हो गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय विच प्रॉपर्टी ए ए। उसके बाद देखो है ना हमने क्या प्रूव करना था, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, देखो इधर, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो मैंने आपको बताया था इसकी ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कौन सी साइड्स, ये देखो ए बी ओवर ए एम इज इक्वल टू बी सी ओवर एम पी इज इक्वल टू ए सी
ओवर एपी। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो और इन सेम प्रोपोर्शन, यू कैन राइट दिस वे। तो अब ये देखो इसमें से क्या प्रूव करना था, सेकंड पार्ट सी ए ये हो गया, सी ए अपॉन पी ए ये रहा एपीए की बात है, इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी ये होगी। इसको आप रहने दो, इसको हटा दो, इसको मत लिखो, ठीक है, होती हो सारी साइड है, आपको जो चाहिए आप वो प्रूव कर दो, बस ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा नाइन्थ सम। ऐसे ही अब क्या है टेंथ सम है, टेंथ भी आसान है बिल्कुल, तो मैं बनाऊंगा इसकी फिगर नहीं गिवन है, फर्स्ट वी विल मेक ए फिगर, ठीक है। तो ये देखो टेंथ सम, टेंथ सम ध्यान से देखो, टेंथ टेंथ में क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, देखो थोड़ा सा ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है एफ ई जी, एफ ई जी एफ एफ ई एंड जी, ठीक है ये हो गए, दिखाई दे रहा है यहां से ब्लैक बोर्ड एफ ई जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसने ये बोला सी डी, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच, सी डी यहां पे ऐसे सी डी हो गया, सी डी एंड जी एच ऐसे हो जाएगा, सी डी एंड, सी डी एंड जी एच आर स्पेक्टर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर हो गया, बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मान लो मैंने यहाँ पे वन डाल दिया, यहाँ पे टू डाल दिया, इसमें इधर थ्री डाल दिया, इधर क्या डाल दिया फोर डाल दिया, ठीक है, वन इक्वल टू टू है, थ्री इक्वल टू फोर है। अब ये हो गया, ये गिवन में लिख दोगे आप आई थिंक। उसके बाद इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू एफ ई जी, सबसे पहले गिवन में लिखी दो यार क्या है, व्हाट इज गिवन, आप एक तो ये लिखोगे सी डी इज द बाइसेक्ट एंगल वन इज इक्वल टू क्या लिख दो एंगल टू, मैंने ये लिख दिया, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अब ये भी लिख सकते हो आप, इसमें ये भी लिख सकते हो कि सी डी इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी बी एंड जी एच इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल एफ जी ई, ये भी लिख सकते हो आप सीधा, ये भी लिख सकते हो, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन था इसमें, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, एफ ई जी, इसमें सबसे पहला पार्ट जो टू प्रूफ वाला है वो क्या है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये प्रूव करना था ना। देखो ऊपर वाले साइड से एक ट्रायंगल की बन रही है सी डी ए सी डी, एक ट्रायंगल की साइड आ रही है, यस आ रही है बिल्कुल, ऊपर क्या आ रहा है ए सी डी। कई बच्चों को ये नहीं पता, इसमें समस्या ये आती है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सर मैं कौन से ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ये भी बन रहा है, इसमें भी तीन ट्रायंगल है, वन टू एक बड़ा, वन टू एक बड़ा, कि सर कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करके आएगा, ये तो हमें मुझे पता है कि मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, उसके बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिक्कत आती है कि ट्रायंगल कौन सा करूं। अब ध्यान से देखो ऊपर देखो सी डी ए, ए सी तो कॉमन आ गया ए सी डी, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए सी डी, एंड नीचे क्या है एफ जी एच, एफ जी एच, ये दोनों ट्रायंगल देखो आप। अब देखो ए सी डी ये हो गया, एफ जी एच, एफ जी एच जी हो गया, ठीक है। सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा भैया, वाई देखो उसने ऊपर लिख दिया था ना ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, मतलब क्या है इसका कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे देखो यहां पे ए किसके इक्वल होगा एफ के, देखो ना ए इज इक्वल टू क्या है एफ,
ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने एफ, यहां पे आप क्या रीजन लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये लाइन लिख दोगे यहां पे। उसके बाद देखो अब एंगल सी, इसके एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल था ना, मान लो इसका पूरा नाम मैंने ये लिख दिया, अगर यहां पे आपको दिक्कत है तो आप पूरा नाम लिखो, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी टी, ये देखो ना ये एंगल सी और एंगल जी, ये पूरा एंगल सी और पूरा एंगल जी भी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वही रीजन आएगा ना इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे, ठीक है। अब क्या करोगे, डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप में आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब एसीबी को, एसीबी को दो के साथ डिवाइड करोगे, टू के साथ, तो वो क्या आएगा, या तो एंगल वन आएगा या एंगल टू आएगा, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये इसका क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसको टू के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, एंगल वन भी आ सकता है एंगल टू भी आ सकता है। सो एंगल टू, कई बच्चों को ना इसमें दुविधा होती है, इसमें देखो क्या यार, अगर ए सी बी मान लो 60 डिग्री था, मान लो क्या था 60 डिग्री, अब ये कितना आ जाएगा, इसने डिवाइड कर दिया, ये भी 30 आएगा, ये भी क्या आएगा 30 आएगा, जब मैं टू के साथ डिवाइड करूंगा तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय टू कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझो ना, क्योंकि सीडी क्या है, बाइसेक्टर है, सीडी क्या था, बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने यहां पे, तो अब क्या करोगे, देखो इधर इधर आ गया टू, इधर क्या आ जाएगा एंगल फोर, थ्री भी आ सकता है फोर भी, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल सिमिलर करने थे, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख दूंगा एंगल फोर, एंगल फोर। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये एंगल, ये और ये दोनों ट्रायंगल एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए सी डी, अब ये बात ध्यान में रखना ना, मैंने यहां पर क्या लिखा ए सी डी, यहां ए के, यहां ए है, वहां क्या आएगा एफ आएगा, ए की जगह पे क्या आ गया एफ आ गया। दूसरी बात, यहां पे एंगल टू, एंगल टू यहां किसके ऊपर था, सी के ऊपर था, मतलब सी के ऊपर था, यहां पे सी के ऊपर, यहां पे टू था, तो उधर एंगल वन कहां, एंगल फोर कहां पे था, जी के ऊपर, तो यहां पे टू आ रहा है, वहां पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, एफ जी, और दूसरा क्या बचेगा एच, ये आ गया बाय विच प्रॉपर्टी ए ए। ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी बहुत जरूरी है, करेक्ट होनी चाहिए ये, क्योंकि तभी देखो अब ये बनेगा कैसे, सुनो इधर, अब अगर आपके पास ये आ गया ए सी डी और एफ जी एच, तो अब क्या लिखोगे, पहले ए सी, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी डी, तो क्या आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू, तो उसके बाद क्या आ जाएगा ए डी, ए डी अपॉन एफ एच, अपॉन एफ एच, ठीक है। अब क्या होगा, यही प्रूव करना, देखो सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, तो ये दोनों साइड रख लूंगा मैं, इसको लिखना लिखे रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक भी है। और इसका रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये रीजन कंप्लीट लिखना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया इसका हमारे पास टेंथ सम। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है जो मैंने, यहां तक तो सेम है, एक ये स्टेप, एक एंगल कॉमन आया करेगा, एक डिवाइड बाय टू करके आया करेगा, और कौन सी प्रॉपर्टी के साथ होया करेंगे, ए ए के साथ, सेकंड पार्ट भी इसका, थर्ड पार्ट भी आपके लिए छोड़ रहा हूं, टेंथ सम, ठीक है। अब देखो जी इलेवंथ सम, नाउ देयर इज व्हाट इलेवंथ सम, इलेवंथ देखिए, इलेवंथ, इलेवंथ इज ऑल्सो वेरी इजी, फिगर इज गिवन ईच एंड एवरीथिंग, है ना, हमें मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूं सीधे, देखो ध्यान से, फिगर कुछ नहीं है बेटा, इट इज एज लाइक गेम, ये एक गेम की तरह ही है, सब कुछ गिवन है इसमें, कुछ भी आपने याद नहीं करना, ए बी सी, यहां पे क्या है, ऐसे हो गया एफ, ये परपेंडिकुलर है, यहां पे क्या है ई है, और यहां पे एक परपेंडिकुलर एक और हो गया, वो क्या है डी,
जी है ना। अब देखो ये हो गया बीई। अब देखो ध्यान से, इन फिगर 6.40 ई इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी। ये सारा कुछ आप लिख लेना। आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी विद एबी गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है एसी है, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर है, ये मैंने कर दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मस्ट राइट दिस गिवन टू प्रूव। टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, सॉरी एबीडी है यहां पे, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ, ईसीएफ ठीक है, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ईसीएफ, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल ए बी डी ई सी एफ, ठीक है। अब देखो एबीडी में, देखो पहले एबीडी इन ट्रायंगल, यहां पे लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी, ए बी डी एंड इन ट्रायंगल, यहां पे लिख दू मैं ई इधर, ठीक है। इन ट्रायंगल दूसरा क्या था, ई सी एफ। अब देखो एबीडी में, ए बी डी में यहां पे मैंने एंगल वन का नाम दे दिया वैसे ना, सो एंगल वन इज इक्वल टू, एंगल वन इज इक्वल टू ई सी एफ, कहां पे आइए ना ई सी एफ, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया टू, सो एंगल वन इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल टू। वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री लिख दो। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो क्या है यहां पे, व्हाट इज देयर, एंगल वन इज इक्वल टू टू हो गया, इच 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखो और कौन सा इक्वल आएगा, देखो ध्यान से। अब ए बी, अगर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, एक ट्रायंगल में आपने पढ़ा है ना ये, अगर ये इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल राइट हेयर, यहां पे करके दिखा दो एक बार है ना, इस साइड पे करके दिखाना है अपने, यहां पे ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल यहां पे टू लिख दो, यहां पे क्या लिख दो एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, वाई एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल टू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल थ्री हो गया। सो नाउ व्हाट इज देयर, टू मैंने यहां पे क्यों लिख दिया, ये टू मैंने गलत लिख दिया यार, पहले यहां पे ये टू, अच्छा दो जगह पे लिख दिया, यहां पे थ्री लिखो, यहां पे क्या लिखो थ्री, और यहां पे क्या लिख दो फोर, टू पहले मैंने नेमिंग ली हुई थी ना, तो यहां पे क्या आ गया जी थ्री इज इक्वल टू फोर, थ्री इक्वल टू क्या लिख दिया फोर, सो एंगल थ्री मैंने किस में लिखा था, ए बी डी में, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, वाई वो मैंने रीजन लिख दिया यहां पे, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब जब इसके, इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों सिमिलर हो गए बाय विच प्रॉपर्टी, ए बी डी सिमिलर टू, अब देखो ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही दिया है ना, तो अब ये देख चेक भी कर लो, वन वन कहां पे लिखा था डी पे, तो यहां पे डी पे वन था, उधर टू कहां पे लिखा था मैंने एफ पे टू, तो देखो यहां पे डी आ रहा है, यहां पे एफ आ रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वन, वन इसमें कहां पे लिखा था, सॉरी वन डी पे लिखा था, वन इक्वल टू क्या हो गया टू, थ्री कहां पे लिखा था बी पे, तो यहां पे थ्री था दूसरे नंबर वाले पे, फोर वो कहां पे है सी पे, तो ये फोर आ गया दो, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होएगा, सो दे आर सिमिलर बाय प्रॉपर्टी ए ए, ठीक है। ये था हमारा कौन सा सम था, आई थिंक इलेवंथ, दिस वाज व्हाट इलेवंथ सम। अब देखते हैं हम ट्वेल्थ सम, इसका इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ, यहां से दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, यस। तो अब नाउ सी द ट्वेल्थ सम, ट्वेल्थ सम देखिए, सी द ट्वेल्थ सम, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है यहां पे ए बी सी, ध्यान से देखो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी,
तो यहाँ पे मीडियन एडी भी है, मीडियन एडी, मीडियन आपको पता है इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस है ना, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पीएम ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। हियर इज अ वन मोर ट्रायंगल दैट इज व्हाट पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो यहां पे मीडियन क्या है, पीएम, पीएम। अब देखो इसमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले गिवन लिख रहा हूं मैं यहां, ये कौन सा है, ट्वेल्थ सम, गिवन क्या है, गिवन व्हाट इज देयर, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी, ए बी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन इज इक्वल टू ए डी, ये सारी प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी ओवर क्या था दूसरा, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर, ध्यान से देखो जरा, क्यू आर अपॉन ए डी ओवर, ए डी ओवर कौन सा था मीडियन, पीएम होगा ना, पीएम, ये गिवन है, ये साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल में है, दीज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बी ओवर पी क्यू, ठीक है, बी सी ओवर क्यू आर, ठीक है, ए डी ओवर पी एम, दिस इज अ गिवन, है ना। उसके बाद और क्या कुछ गिवन है, देखो ध्यान से, शो डैट ए बी सी, है ना, और कुछ भी गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है। देखो कैसे करोगे, बस एक ही चीज का काम खत्म, एक ही चीज काम आनी है जो इसमें आएगी, देखो क्या आएगी, देखो ध्यान से, ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, देखो ध्यान से। अब ये मैं कर रहा हूं यहां पे प्रूफ, भैया ये क्या था गिवन, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। अब ये देखो ध्यान से, बी सी ओवर क्यू आर है ना, अगर मैं बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया यहां हाफ के साथ, नीचे भी हाफ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि यहां हाफ के साथ हाफ कट जाएगा, ठीक है। तो अगर बीसी को मैं टू के साथ डिवाइड करूं, बीसी को टू के साथ क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, क्योंकि ये बीडी इज इक्वल टू क्या है, डीसी, ये मीडियन है ना, दिस इज व्हाट मीडियन, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका, देखो ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, बीडी, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम, व्हाट इज दैट, क्यू एम इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ए बी डी में और पी क्यू एम में, ए बी ओवर पी क्यू, ए डी ओवर पी एम एंड बी डी ओवर क्यू एम, तीनों साइड, इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी डी सिमिलर टू, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम बाय विच प्रॉपर्टी, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई ना आपको। उसके बाद देखो, अब मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, जो मुझे बड़े ट्रायंगल प्रूव करने थे। अब देखो ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कैसे हुआ, कैसे हुआ, अरे भैया कैसे हुआ ये तो बता दो, ठीक है, कैसे होगा, सुनो ध्यान से, क्यों क्यों हुआ ये अपना, देखो इससे मुझे ये भी पता चलेगा कौन से बच्चे वीडियो देखते हैं, रीजन आपने बताना है ना, यू विल टेल मी द इन क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्या पूछा है, मैं उसकी प्रेजेंट लगाऊंगा जो बच्चा इसको ये बताएगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देखी, यहां पे रीजन मैं मांग रहा हूं कि यहां पे रीजन क्या होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों ने अपने आप वीडियो देखी। हरेक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ये कह सकते हो कोई हिंट देता हूं या लेता हूं कि जिससे मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है।
तो यहां पे क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यूब क्यों होगा, ये रीजन आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ए बी ओवर, मुझे कमेंट करके बताओगे आप, ये ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, ये तो गिवन ही था भैया, दिस इज व्हाट अ गिवन, ये क्या हो गया गिवन था, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, और ये बीच वाला एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई विच प्रॉपर्टी एस ए एस, ठीक है। तो ये था हमारा ट्वेल्थ सम, ठीक है। अब एक सम लगते हैं, आज कितना टाइम हुआ अभी आपको, एक और सम कर ही देते हैं 13, है ना, एक और सम करते हैं 14, 15, 16 नेक्स्ट वीडियो में डाल देगा, क्योंकि 14 बड़ा सम है, ठीक है। तो नाउ सी दिस 13 सम, 13 भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 सम, 13 देखो, ध्यान से देखना 13। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देखो यहां पे 13, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यहां पे ट्रायंगल क्या है एबीसी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, यहां पे कहीं पे डी पॉइंट है, सच दैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी दिस एंगल 1 मान लो इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी बी ए सी इस एंगल के क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। गिवन में लिख दो ये, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। शो डैट, अब शो डैट देखो, शो डैट मतलब टू प्रूफ, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो कि अरे यार मुझे कैसे पता चले कि कौन से ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूफ करने हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मान लो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है ये सी ए इंटू सी ए, स्क्वेयर का मतलब क्या है सी ए इंटू सी ए, ये सी ए का स्क्वेयर है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं हम बिना ब्रैकेट के, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखो अगर मैं यहां पे सी ए लिख लू, सी ए इसके नीचे क्या आएगा सी बी आ सकता है, आ सकता है, वहां पे सी बी अपॉन क्या आ सकता है सी ए, ये मैं सी बी इधर ले आया, ये सी ए एक इधर ले गया। अब देखो यहां पे कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ए सी डी ऊपर आ रहा है, अगर यहां पे मैं ट्रायंगल ए सी डी, या तो ये हो सकता है ट्रायंगल ए सी डी, और नीचे क्या आ गया ए बी सी, ए बी सी देखो यही आएगा ना, सी सी कॉमन हो गया। तो इसका मतलब अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, सिमिलर करना चाहिए। अगर वो सिमिलर आ गए तो उसके बाद ये मैं लिख सकता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, ये सी ए इंटू सी ए करके देखो, या तो इसके नीचे सी बी आएगा या इसके नीचे सी बी आ सकता है। देखो अगर मैं इसके नीचे ये ले आऊं, देखो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू क्या था सी बी इंटू सी डी था, मैं इसके नीचे सी बी लेके आया, कोई बच्चा कहेगा सर अगर मुझे ना पता चले तो आप यहां पे सी डी ले आओ, इज इक्वल टू क्या होगा सी बी अपॉन सी ए। तो अब ये देखो ऊपर क्या होगा ए बी सी हो गया और नीचे ए सी डी, ए सी डी तब भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम ट्रायंगल आ रहा है ना। तो आप देख लो अब इन दोनों को, तो अब ये मैं क्या करूंगा, देखो इधर ट्रायंगल ए सी डी प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ए बी सी, देखो ए सी डी का सबसे पहले एंगल 1, इसका एंगल 1, बड़े ट्रायंगल ए बी सी है ना ए बी सी, तो इसके कौन से एंगल के इक्वल है, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी ये गिवन था, इसका ये एंगल इसके एंगल के इक्वल था। अब दूसरा देखो आपके सामने, आप बताओ मेरे को क्या होगा, अरे भैया ये क्या था एसीडी, एसीडी ये था, ए बी सी भी ये था, तो इसका मतलब सी एंगल क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है दोनों में। ध्यान से देखो सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ ढूंढना है।
तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी। तो अब इसका मतलब, अब सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट लिखनी है, बहुत अच्छे से सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है आपने। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ट्रायंगल एसीबी सिमिलर टू, अब यहां पे सी है वहां पे सी है, तो यहां पे सी तो सेंटर में क्या आ जाएगा सी। अब दूसरा बी ए सी, इसका बी ए सी ए एंगल, यहां पे ये एंगल किसके इक्वल था, एंगल वन के, एंगल वन किसके ऊपर लिखा था डी के ऊपर, तो यहां पे डी है वहां पे क्या आएगा ए आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा और क्या बचा बी बचा, तो वो है जहां पे आ जाएगा। ध्यान से देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म, यहां डी के ऊपर वन था, वन किसके इक्वल था बी ए सी, तो वहां पे यहां पे ये डी लिखा है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा ए आएगा, ठीक है इस बात का ध्यान रखना। अब देखो ये, तो अब ये लिख दो आप ए सी अपॉन बी सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी ए ए एंगल एंगल। अब देखो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। Why? इसका रीजन क्या लिखोगे आप, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशो, सीपीसीडी मत लिख देना भैया, वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में लिखते थे, अब यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की बात चल रही है, तो आपने पूरा रीजन लिखना है क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी साइड रखना पसंद करोगे आप, सी ए स्क्वायर, तो ये दोनों रख ली मैंने, तो ये क्या आ गया ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, यही प्रूव करना था, बी सी मतलब सी डी ए की बात है, सी डी इंटू सी डी, ठीक है। तो ये होगा हमारा 13 सम, होप आपको अच्छा लगा होगा। वो जो मैंने क्वेश्चन एक इसमें आई थिंक इससे पहले वाले से पूछा था ना, वहीं से मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कमेंट करना ना भूलना इसमें, ठीक है।